वेकानंद का जन्म हुआ था 1863 में अठारह और श्यविंदो का अठारह सौ नौ साल बाद लेकिन जब इतना ज़्यादा समय गुजर जाए अब उसको डेढ़ सौ साल हो गए वी कैन ट्रीट दम एज कंटेम्पररीज कि एक ही समय पे थे वो और दोनों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो देश का अतीत था पास्ट पुराना समय वैदिक टाइम्स वो जितना गौरवशाली था उतना ही जो प्रेजेंट था उस समय वर्तमान स्थिति थी वो उतनी ही बुरी थी दयनीय थी और उसमें कई कारण थे लेकिन उसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि क्योंकि दूसरे आए उन्होंने हमारे ऊपर हमले किए हमारे ऊपर राज किया हम रूल किया इसलिए हुआ हमारा पतन जो था उससे पहले ही शुरू हो चुका था और शायद इसीलिए जो रूलर्स थे वो हमें ग़ुलाम कर पाए और वो जो पतन था उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने एक डिविजन क्रिएट कर दी थी डाइकॉटमी बिटवीन वर्ल्डली लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए है जो अपनी नॉर्मल लाइफ जो फैमिली लाइफ है वो वगैरह काम वो सब छोड़ के किसी पहाड़ पे किसी जंगल पे किसी गुफा में जाके बैठते हैं और नेचुरली वो तो कुछ गिने चुने लोग ही करेंगे बाकी जो संसारी लोग हैं उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है और सिर्फ उनकी लाइफ में यही हो सकता है कि कुछ रिलीज़स रिचुअल्स वगैरह इंक्लूड कर लें कि किस दिन फास्ट रखना है या मैरिज पे बर्थ पे डेथ पे कौन से मंत्र पढ़ने हैं सेरिमनी करनी है तो ये जो है चीज़ें रह गई थी और मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाइट मैकेनिकल के एक मैकेनिकल तरीके से करना मीनिंगलेस तरीके से करना तो रिज़ल्ट ये हुआ था कि हमारा आध्यात्मिक और मटेरियल दोनों में ही पतन हुआ था Citoyens, क्योंकि जब हम पीक पे थे वैदिक टाइम्स में टिल अबाउट टू थाउजेंड ई ईयर्स है एंड टू सम वन थाउजेंड ई ईयर्स अगो तब तक टू थाउजेंड ईयर्स से शुरू हो गया था लेकिन टिल वन थाउजेंड ई ईयर्स है द मोमेंटम वॉज इनफ टू कीप अस एट द पीक वी व सेकेंड टू नन हज़ार साल पहले भी हम किसी और देश से दुनिया में पीछे नहीं थे इवन इन द मटीरियल्स फेयर तो वो इसलिए था क्योंकि उस जमाने में ये डिवीजन नहीं थी स्पिरिचुअलिटी को हम दैनिक जीवन में लाते थे तो इन दोनों ने ही स्वामी विवेकानंद ने श्योरविंदो ने दोनों ने ही इस बात पे जोर दिया कि जो हमारी वर्तमान की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है इतनी मेजरेबल स्टेट में हम हैं उसका एक कारण ये है कि हमने स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन से निकाल दिया है और हमको उसको अपने जीवन में लाना है वो सिर्फ़ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है हम अपने काम में अपने जीवन में हर चीज़ में उसको ला सकते हैं दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशली स्वामी विवेकानंद के साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि जब हमारा अपने देश में ही इतना पतन हो चुका था तो ऊपर से क्योंकि ग़ुलामी थी तो अंग्रेज़ों ने पूरी कोशिश की हमें कन्विंस करने की कि वास्तव में हम ए इन्फ़ीरियर लोग हैं हमारे अंदर हीन भावना जो थी पैदा की और वो जो है सुपीरियर हैं इसीलिए वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उनको भगवान ने भेजा ही इसलिए यहाँ ताकि वो हमको सुधार सकें हम तो जंगली लोग हैं और हमको सभ्य बनाने के लिए भगवान ने उनको यहाँ भेजा है चाहे इस हद तक नहीं लेकिन काफ़ी काफ़ी इस तरह की भावना हमारे अंदर एक्चुअली पैदा हो गई हम कन्विंस हो गए कि हाँ एक्चुअली हम इन्फीरियर हैं हमें इनसे कुछ सीखना है इनकी नकल करनी है ये जो था हमारे अंदर वो सक्सेसफुली क्रिएट कर पाए इस तरह की फीलिंग तो ऐसा देश जिसका पतन हो चुका है और जो खुद भी अपने को मानता है कि हाँ वास्तव में हीन हैं और जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं वो हमसे सुपीरियर हैं उस देश को बाकी दुनिया के देश क्या सोचेंगे उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो भी हमें यही सोचते थे कि ये तो कोई पुराना पिछड़ा देश है जिसकी सभ्यता बहुत पुरानी है जो अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है कई गलत कई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी और बहुत कम नॉलेज से भी एक इम्प्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं ये नहीं कि वो बहुत कुछ जानते थे भारत के बारे में लेकिन विदाउट नोइंग मच इम्प्रेशंस क्रिएट करना बहुत आसान होता है तो ये इम्प्रेशन ये था तो स्वामी विवेकानंद जब अट्ठारह में शिकागो गए पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स में तो वहाँ जाके जो उन्होंने एक पाँच मिनट की स्पीच दी वो एक शुरुआत थी एक किस्म से एक माइलस्टोन था जिससे कि भारत की जो सारे संसार में एक इमेज थी वो चेंज हुई तो इन्होंने में सॉर्ट ऑफ फील्ड में एक गोल्ड मेडलिस्ट थे इंटरनेशनल गेम्स में जैसे होता है ना गोल्ड मेडलिस्ट पहला गोल्ड मेडलिस्ट तो वैसे उसी तरह से स्पिरिचुअल फील्ड में वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने सडनली इमेज इंडिया की चेंज की और ये नहीं कि इंडिया तो हमेशा गेम्स में हारता ही है इन्हों एक इमेज थी किसी टाइम पे ये भी लेकिन अब हम जीतने लगे हैं कई चीज़ों में तो जो सबसे पहले मेडल लेके आए नेचरली उसकी इम्पोर्टेंस होती है जैसे पी टी थी आपने सुना होगा तो एक इम्पोर्टेंस होती है तो वो इम्पोर्टेंस जो थी स्वामी विवेकानंद की है उन्होंने सारे संसार में हमारी छवि को जो चेंज करना शुरू किया उसमें एक इम्पॉर्टेंट माइल था हम थोड़ा जीवन के बारे में उनके देखते हैं एटीन में 12 जनवरी को आ, उनका जन्म था आज जन्मदिन है उनका एक सौ अट्ठावन अथा, अट्ठावन वन फिफ्टी एट्थ बर्थडे है उनका आज और कलकत्ता में जन्म हुआ था उनके पिता लॉयर थे विद्वान भी थे अंग्रेजी भी जानते थे पर्शियन भी जानते थे बिसाइड्स ऑफ कोर्स बंगला और बहुत कमाते भी थे स्टाइल से रहते भी थे खर्च भी इसलिए करते थे खर्च करके अपना अच्छी तरह से रहते थे खाते पीते जैसे होता है फैमिली और साथ में दूसरों की हेल्प भी करते थे आ, किसी को भी ज़रूरत हो फ्रेंड्स रिलेटिव्स तो बड़ी जल्द बड़ा आसान था उनसे पैसा लेना तो इसलिए हालांकि कमाते बहुत थे लेकिन खर्च भी करते थे रहते भी ठीक तरह से थे और दूसरों की हेल्प भी करते थे जब उनकी डेथ हुई 1881 में 1881 या 1884 में जब स्वामी विवेकानन्द जो थे वो अभी 21 साल के ही थे 1884 में 21 साल के थे तो कुछ पैसा वैसा छोड़ के नहीं गए पर ए उससे पहले हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की लाइफ कैसी चली जब वो 18 साल के थे मतलब उनके फादर की डेथ से तीन साल पहले एक दिन उनके किसी पड़ोसी ने श्री रामकृष्ण को बुलाया अपने घर पर और साथ में उनको कुछ भजन सुलवाने के लिए किसी सिंगर को भी बुलाया था लेकिन वो सिंगर जो था वो आया नहीं तो नेवर ने सोचा कि ये पड़ोस में रहते हैं उनका नाम था नरेंद्र इनको बुला लेते हैं वो भी बहुत अच्छा गाते हैं तो वो गा देंगे तो एक किस्म से वो जो जिसने आना था वो नहीं आया और नेवर को ध्यान आया कि इनको बुलाते हैं ये एक किस्म से एक डेस्टिनी काम कर रही थी क्योंकि श्री रामकृष्ण कृष्ण को और स्वामी विवेकानंद को पास पास आना था एक दूसरे के पास और यही हुआ जब वो गाने के लिए आए तो लगा जैसे श्री रामकृष्ण कृष्ण को तो पता चल गया कि आ, मेरा जो शिष्य है जिसने मेरे काम को आगे बढ़ाना है वो आ गया है आज मुलाकात हो गई उनको पहले पता था शायद कि इस तरह से होगा और इस जब वो आ, उनका वहाँ पे ख़त्म हुआ डिनर वग़ैरह जो कुछ था तो इनको बोले कि मेरे पास कभी आना दक्षिणेश्वर मंदिर में मैं पुजारी हूँ वहाँ पे आना तो वैसे शायद वो ना जाते क्योंकि 18 साल की उम्र थी इंग्लिश स्कूल में पढ़ इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और जिस तरह का उनका हाईली एडुकेटेड बैकग्राउंड था शायद ना जाते लेकिन शायद दो चीज़ों की वजह से गए होंगे एक तो उनकी जो माँ थी उनका जो था बहुत धार्मिक स्वभाव था और बचपन से ही बहुत माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ वगैरह सुनाई थी उनको और दूसरी शायद एक इम्पॉर्टेंट ये ये थी कि उनको स्कूल में एक टीचर था मिस्टर हेस्टी अंग्रेज था ब्रिटिशर लेकिन कोई पोएम पढ़ा रहा था जिसमें एक ट्रेंस का डिस्क्रिप्शन था ट्रेंस यू नो जैसे एक मेडिटेटिव स्टेट में लगता है कि जैसे किसी और ही दुनिया में पहुँच गए हैं तो उस तरह का एक डिस्क्रिप्शन था तो उन्होंने कहा अगर आपको देखना है किसी का चेहरा फ्रांस के स्टेट में तो आप कभी दक्षिणेश्वर टेम्पल जाइए वहाँ श्री रामा कृष्ण उनको एक चेहरे को जाके देखिए तो शायद उसने भी इनको इंस्पायर किया कि हाँ चलो एक बार जाके देख तो लूँ तो गए तो एक तरफ से तो एक खिंचावट थी एक पुल था कि जाना है वहाँ सिर्फ इन रीजंस की वजह से नहीं शायद एक मिस्टीरियस पुल भी था क्योंकि उनकी डेस्टिनी उसी तरफ लिखी थी लेकिन दूसरी तरफ एक रिबेलियन भी था प्रोटेस्ट भी था कि मैं इतना पढ़ा लिखा होकर और इतना मॉडर्न साइंस और सब कुछ और रैशनैलिटी और ये सब जो है उन सब की बातों को जानते हुए इनके पास आया हूँ ये तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पता नहीं कौन सी कोई ऑब्सक्योर अंधविश्वास वाली बातें बताएँगे इनके पास मैं आया हूँ तो दोनों तरह की मिक्स्ड फीलिंग थी तो इसलिए वो गए तो सही उनको देखने के लिए लेकिन फिर उनसे पूछा भी कि आपने कभी भगवान को देखा है तो उन्होंने कहा हाँ देखा है और जितना साफ साफ मैं तुम्हें देख रहा हूँ उससे भी ज़्यादा साफ साफ मैंने भगवान को देखा है और फिर साथ में एक अट्रैक्शन ऐड कर दिया और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ तो अब उनको लगा कि शायद जाना चाहिए तो जाना शुरू किया लेकिन इस अठारह सौ में 18 साल की उम्र में जाना शुरू किया तीन साल के बाद जब वो इक्कीस साल के हुए तो फादर की डेथ हो गई तो फादर की डेथ हो गई पैसा वैसा आपको छोड़ के नहीं गए थे और जिनसे उन्होंने उधार ली थी वो तो सब पहुंच गए अपना पैसा लेने के लिए जिनको उन्होंने पैसे दिए थे वो सब गायब हो गए तो रिज़ल्ट ये हुआ कि इनकी फैमिली में पैसे की बहुत तंगी हो गई तो नेचुरली इनको सोचा कि उन्होंने कुछ जॉब करनी चाहिए तो टेम्पररी चीज़ें तो करते रहे टीचर ट्रांसलेटर कई तरह की लेकिन प्रॉपर जॉब कोई मिली नहीं थी कई बार ना मिलना जॉब वो भी एक किस्मत होती है जिससे कि आपकी डेस्टिनी जो है वह इंश्योर होती है तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि कैसे उनको गाने के लिए बुलाया और कैसे फिर उनके टीचर ने कहा कि ट्रांस के स्टेट में देखो तो इसलिए शायद गए और फिर कैसे फादर की डेथ के बाद जॉब मिल नहीं रही थी प्रॉपर तो श्री रामकृष्ण को जाके बोलिए कि आप काली के भक्त हैं आप ही मांगिए मेरे लिए कोई जॉब ताकि मैं फैमिली को देखभाल कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने आप ही जाके मांग लो तो गए स्वामी विवेकानंद मूर्ति के सामने खड़े हुए वहाँ जाके भूल गए कि क्या मांगने के लिए आया हूँ उनसे ज्ञान और भक्ति मांग ली फिर आके उनको बोले कि मैं तो भूल गया मैंने तो ऐसे मांग लिया ठीक है दूसरी बार चले जाओ फिर वही हुआ फिर बोले अच्छा फिर चले जाओ तीसरी बार गए फिर वही हुआ तो समझ गया कि श्री रामा कृष्ण को जादू कर रहे हैं मेरा जीवन इस चीज़ के लिए नहीं बना कि मैं कोई ऑर्डिनरी जॉब करके सिर्फ अपनी फ़ैमिली की देखभाल करूं। मुझे कुछ और करना है तो ये जो था एक डिसीजन लगता है कि अपनी फैमिली को डिजर्ट करना ठीक नहीं है लेकिन हर एक का जो स्वधर्म होता है वो अलग अलग होता है और बेसिकली इट्स ए क्वेश्चन ऑफ़ डूइंग द डिवाइन ड्यूटी जैसे शोरविंदो ने लिखा है एसेज ऑन द गीता में कि स्वामी विवेकानंद की जो थी यही ड्यूटी थी लॉर्ड बुद्धा की यही ड्यूटी थी कि फैमिली को नहीं देखना है क्योंकि वो एक छोटी चीज़ है वो तो हो ही जाएगा गुजारा उनके लिए कुछ बड़े मिशंस थे तो इसीलिए उनके अंदर से वो आवाज़ आई और उन्होंने उसको सुना और उनके लिए वो ठीक था एक किस्म से वो ये नहीं कह सकते कि मॉरली कोई गलत काम किया क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन वन टाइप ऑफ ड्यूटी एंड अनदर तो जो सही फैसला है वो साइकिक बिंग से मिलता है और इनको अंदर से उस तरह की आवाज़ आई उन्होंने किया उनके लिए वो ठीक था सबके लिए एक ही चीज़ ठीक नहीं होती तो उनके लिए वो ठीक था तो इन्होंने वो फैसला किया आ, कि मेरा मिशन कुछ और है तो पूरी तरह से उनके भक्त बन गए और ये जो था बहुत लंबा समय नहीं चला क्योंकि अठारह में श्री रामा कृष्णा उन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो एक किस्म से कह सकते सिर्फ पाँच साल तक वो रहे उनके साथ उनके गाइडेंस में अठारह में एक अट्ठारह साल की उम्र से लेके 23 तेईस साल की उम्र तक ट्वेंटी की एज तक तो एटीन टू ट्वेंटी बहुत यंग एज होती है लेकिन इंस्ट्रूमेंट पहले ही प्रिपेयर्ड हो तो पाँच साल में बहुत कुछ हो सकता है सिर्फ राइट कंडीशंस और राइट ट्रिगर की ज़रूरत होती है वो इनको मिल गया तो एक यंग डाउटिंग इंटेलेक्चुअल जिसको कहना चाहिए कि जिनके मन में कई संदेह थे शक शुबा थे प्रश्न थे कि पता नहीं क्या ये होता है सब स्पिरिचुअलिटी वगैरह उसमें से एक बुद्धिजीवी थे वेस्टर्नाइज्ड टू उसमें से वो एक ऋषि बन गए विद इन फाइव ईयर्स तो श्री कृष्ण को पता लग गया था और उन्होंने अपने शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले अपने सारे जो पावर्स थे इनको दे दिए उनके शरीर छोड़ने के बाद जल्दी ही इन्होंने फिर एक भारत का भ्रमण शुरू किया हर कोने में गए नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट और लोगों के साथ मिले सब तरह के लोगों के साथ मिले कोई जाति धर्म का कोई डिस्टिंक्शन नहीं था हर तरह के लोगों से एक एकत्व की भावना से मिले गरीबों से भी मिले अमीरों से भी मिले अमीरों से इसलिए मिले ताकि उनमें कुछ जागृति आए वो अपने जो गरीब भाई बहन हैं उनके लिए कुछ कर सकें और ये सारा भ्रमण करने के बाद एक किस्म से वो बहुत दुखी थे तो जब अट्ठारह में ना नाइन्टी श्री रामकृष्ण शरीर छोड़ा एटीन, शरी एटीन एटी में तो ये 87 के आसपास निकल पड़े भारत भ्रमण के लिए तो पाँच साल तक भ्रमण करते रहे अट्ठारह में कन्याकुमारी पहुँचे कन्याकुमारी पहुँचे 24 दिसंबर अट्ठारह को और फिर उन्होंने 25 तारीख को तैर कर एक रॉक था बिल्कुल बीच में वहाँ पहुँचे कि एक लास्ट रॉक है इंडिया का क्योंकि बिल्कुल टिप पे है ना साउथ में जाके तो उसमें भी समुद्र पार करके रॉक पे पहुँचे तो लास्ट स्टोन ऑफ इंडिया इन द साउथ वहाँ पे जब पहुँचे वहाँ बैठ के उन्होंने मेडिटेट किया तीन दिन के लिए 25, 26, और 27 दिसंबर तो जो कॉमन कंसेंसस है कि उन तीन दिन में उनको क्या एक्सपीरियंसेस हुए वो ये है कि उनको जो वैदिक टाइम्स में इंडिया की ग्लोरी थी वो पूरी ठीक तरह से दिखाई दी आज का जो मिजरेबल uh, स्टेट था दयनीय स्थिति थी वो तो खुद वो आँखों से देख ही आए थे और दोनों का कंट्रास्ट देख के वो इतने दुखी हुए कि उनकी आँखों से आँसू बहने शुरू हो गए और उनका मिशन तय हो गया कि मेरे को जीवन में क्या करना है जैसे अरविंदों को जेल में ये क्लियर हुआ था कि मेरा मिशन क्या है इनको भी मिशन क्लियर हो गया कि मुझे लोगों के वेलफेयर के लिए उनको ऊपर उठाने के लिए काम करना है इस देश के लोगों के लिए तो ये मिशन उनको वहाँ पर उन तीन दिन में मिल गया तो मिशन वो तो मिल गया अपने देश के लिए लेकिन फिर जब आए तो उनके कुछ जो गुरु भाई थे उनको पता चला कि ये एक पार्लियामेंट ऑफ़ रिलीजन्स है शिकागो में आ, होने वाली है 1893 में 1893 तो वहाँ पे इनको भेजते हैं उनको लगा कि यही सबसे ठीक रहेंगे वहाँ जाने के लिए उनको वहाँ भेजते हैं तो पैसा कलेक्ट किया उन्होंने इनको भेजने के लिए लेकिन उन दिनों कम्युनिकेशन बहुत पुअर होती थी और वैसे भी हमारे इंडियंस का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज नहीं होता तो इन जनरल तो हुआ ये कि उन्होंने पैसा तो कलेक्ट कर दिया इनको शिप पे बिठा दिया अमेरिका जाने के लिए जब वो शिकागो एक्चुअली पहुँचे तो उनको कहा कि आप कॉन्फ्रेंस से दो महीने पहले आ गए हैं कॉन्फ्रेंस तो दो महीने के बाद है और फिर कुछ लेकिन आप दो महीने पहले आ गए लेकिन आप उसमें बोल नहीं सकते आप बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रोग्राम पहले ही बन चुका है तो अब क्या करें लेकिन अगर कुछ होना होता है शिवरबिंदुसैजन सावित्री एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज़ देयर तो गॉड टच वॉज देयर इनको किसी ने कहा कि शिकागो में नहीं बॉस्टन में जाइए वहाँ पे थोड़ा सस्ता है यहाँ से बॉस्टन गए ट्रेन में इनको कुछ लोग मिले जो बड़े अट्रैक्ट हुए इनका ड्रेस देख के कि बड़ी अजीब सी ड्रेस है जब बात करनी शुरू की तो देखा कि अंग्रेज़ी भी बोलते हैं फिर और बात की तो लगा कि ये तो बड़े स्कॉलर हैं तो उनको बड़ी अजीब कॉम्बिनेशन लगी और कुछ लोगों ने इनको अपने घर में रख लिया फिर जिनके घर में रहे वो कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर को जानती थी उन्होंने कहा कि ये इतना विद्वान आया है इंडिया से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए अब इनको कहा है कि आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप लेट आए हो प्रोग्राम पूरा बन चुका है फिर उसने इनके साथ बातचीत की तो उसको लगा कि हाँ इनको तो ज़रूर मौका देना चाहिए उसने उनको कहा कॉन्फ्रेंस वालों को तो उन्होंने इनको पाँच मिनट दिए इनागुरल सेशन में तो पाँच मिनट की जो स्पीच थी शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलिजन्स में उसमें इन्होंने पाँच मिनट बोला लेकिन पाँच मिनट के ख़त्म करने के बाद तीन मिनट तक तो तालियाँ ही बजती रहीं और बोला क्या उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बोला कि मैं उस देश से आया हूँ जिसने हर धर्म के लोगों को शरण दी है टॉलरेंस एक्सेप्टेंस दूसरों में फ़र्क हो उसकी वजह से उनमें भेदभाव ना करना उनको अपने आए तो उनको रिसीव करना विद ओपन आर्म्स वो हमारे देश ने किया है और उस धर्म से मैं आया हूँ और दूसरी कंट्रास्ट, जो भी संसार में प्रॉब्लम्स हैं वो पार्टली इसीलिए हैं क्योंकि हम आपस में जुड़ नहीं सकते हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं अंधविश्वास की वजह से कट्टरपन की वजह से और वो अगर दूर हो जाए तो संसार जो है बदल सकता है संसार बहुत अच्छी जगह बन सकता है तो इस तरह की कुछ उन्होंने बातें कहीं उसमें पूरी स्पीच बड़े छोटी सी है और अवेलेबल है नेट पे आप देख सकते हैं तो उस स्पीच जो से इनके इतने अनुयायी बन गए कि कॉन्फ्रेंस नॉट ओनली दैट उसका स्पीच से इतने इम्प्रेस हो गए कि इन्होंने सोचा कि इनको रोज़ मौका देना चाहिए तो रोज़ इनको आफ्टरनून में रोज़ ही एक सेशन दे दिया उनको तो शुरुआत तो थी कि आप बोल नहीं सकते अब यह हो गया कि पहले सेशन में पाँच मिनट देने के बाद उन्होंने रोज़ ही उनको आफ्टरनून में सेशंस देने शुरू कर दिए आफ्टरनून में क्यों क्योंकि कॉन्फ्रेंस में कई बार लोग सुबह कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और दोपहर में शॉपिंग वॉपिंग के लिए चले जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बोलेंगे आफ्टरनून में तो लोग नहीं जाएंगे इनको सुनने के लिए बैठे रहेंगे तो इनको लगभग आखिर में टुवर्ड्स दी एंड इन द आफ्टरनून इनको रोज़ ही एक सेशन दे दिया फिर इनके इतने अनुयायी बन गए कि इनको वहाँ से आने नहीं दिया तो ये तीन साल तक अमेरिका में रहे और कई बार एक ही दिन में कई कई टॉक्स देते थे और जब थक गए फिर उन्होंने किसी के घर से टॉक्स देने शुरू किए पहले चर्चेज वगैरह में जाके देते थे फिर किसी के घर में रहने लगे वहीं से टॉक्स देने लगे तो तीन साल तक ये चलता रहा और इनके बहुत अनुयायी बन गए फिर उसके बाद इंग्लैंड गए वहाँ पे और बने इसी तरह से और एक जो इम्पॉर्टेंट अनुयायी वहाँ बना इंग्लैंड में वो एक कोर्ट स्टेनोग्राफर था मिस्टर गुडविन तो कोर्ट स्टेनोग्राफर का मतलब होता है कि जो कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको शॉर्ट हैंड में उन दोनों लिखते थे रिकॉर्डिंग्स ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो होती नहीं थी ऑडियो वीडियो कुछ नहीं तो जो बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट हैंड में लिख सके वो और एक्यूरेटली लिखे वो कोर्ट टेनोग्राफर होता था क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीड भी इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत अच्छे जो टॉप स्टेनोग्राफर्स होते हैं वही कोर्ट स्टेनोग्राफर बनते थे तो एक कोर्ट टेनोग्राफर था गुडविन तो इनके जो कुछ अनुयायी थे स्वामी विवेकानंद के उन्होंने उसको अप्रोच किया कि इनकी जो लेक्चर्स हैं वो लायक हैं इसके कि बाद में हम रिप्रोड्यूस करें प्रिंट करें तो उसके लिए लिखना ज़रूरी है शॉर्ट हैंड में तो आप लिखो तो उसने अपनी फीस बताई फ़ीस काफ़ी हाई थी क्योंकि वो कोर्ट टेनोग्राफर था उसने पहला लेक्चर सुना तो बोला कि मैं पैसे नहीं लूँगा और अपना काम का काज छोड़ के इनके साथ ही लग गया और इनके साथ इंडिया आ गया जब वो 1897 में इंडिया वापस आए तो एटीन एटीन एटी सिक्स में एटीन नाइन्टी सिक्स में वहाँ सॉरी हाँ एटीन नाइन्टी सिक्स में इंग्लैंड गए थे एटीन नाइन्टी सेवन में वापस इंडिया आए तो वो भी इनके साथ इंडिया वापस आ गया तो जो भी स्पीचेज़ उसके बाद हुई वो सब उसने शॉर्ट हैंड में लिखी और जो कलेक्टेड लेक्चर्स हमारे पास हैं मोस्टली उस एक इंसान की वजह से है हमारे पास आज स्वामी विवेकानंद के जो कलेक्टेड लेक्चर्स हैं मिस्टर गुडविन डेट कोर्स स्टेनोग्राफर तो अठारह सौ में भारत आ गए वापस फिर यहाँ के वो जो सोच के आए थे काम की करना है और बाहर से जो सीख के आए उससे उनको और स्टिमुलस मिला और रेजोल्यूशन स्ट्रांग हुआ कि देश को बदलना है और कुछ चीज़ें जो अच्छी वहाँ उन्होंने को लगी वो सीख कर आए एक बार उन्होंने कहा था श्री स्वामी विवेकानंद ने कि मेरे को लगता है कि जो गीता का लेसन है कर्म करो वो तो वेस्ट वालों ने ले लिया है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और जो बाइबल का लेसन है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके सामने कर लो ताकि वो दूसरा थप्पड़ भी एक और थप्पड़ भी मारे वो लेसन हमने सीख लिया है तो उनको लगा कि हमारे देश को जो है बहुत बदलने की ज़रूरत है और आ, उसके लिए और दूसरा जो था कि गरीबी दूर करना इम्पॉर्टेंट है उसके लिए उन्होंने अपने गुरु भाइयों को कहा कि हम लोग जो है मंक्स बन के घूमते रहते हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी की बातें बताते रहते हैं श्री रामाकृष्ण कहते नहीं थे कि खाली पेट पे भगवान को याद नहीं कर सकते तो पहला काम हमें जो है दरिद्र नारायण जो गरीब हैं उनको उनकी गरीबी से उठाना है और इस तरह से भाषण देके स्पिरिचुअलिटी के सिर्फ काफ़ी नहीं हैं तो जो एक संन्यास था या स्पिरिचुअलिटी थी उसमें संन्यास के साथ साथ सेवा जो है उसको जोड़ के अध्यात्म को दैनिक जीवन में लाना और आम आदमी के हित के लिए यूज़ करना ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था उनके कुछ गुरु भाई एग्री नहीं भी करते थे कि ठाकुर तो ऐसे नहीं करते शायद उन्होंने बोला कि आ, उन्होंने कहा नहीं था कि भूखे पेट पे नहीं हो सकता तो आप वो भूल जाओ कि हम सन्यासी बन गए तो अब हमारा कुछ संसार से लेना देना नहीं है और हम अपना या वैसे ही एकांत में बैठे रहें या भाषण देते रहें वी हैव टू डू दिस तो सर्विस को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ के अपने संसार में लाने का जो एक इम्पॉटेंट स्टेप था माइल्ड स्टोन उन्होंने शुरू किया जो फिर श्योरबिंदो ने भी उस पर बहुत जोर दिया और वी नो दैट ऑफ कोर्स श्योरबिंदो और मदर ने फिर उस दिशा में और आगे ले गए उसको